नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे आप सब। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं 20 बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। यदि आप इन सवालों के जवाब जानते होंगे तो कमेंट करके उसका जवाब जरूर बताएं। तो साथियों, आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए अपने भरोसेमंद चैनल को और बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए रोजाना ऐसी ही वीडियो पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, किस देश में बिल्ली की हत्या कर देने पर मौत की सजा दी जाती है? आपका ऑप्शन है ए ब्रिटेन देश में, बी मिस्र देश में, सी क्यूबा देश में, डी चीन देश में। आपका सही जवाब होगा बी मिस्र देश में। आपका उत्तर होगा। आपका दूसरा सवाल है, किस देश के पास सबसे ज्यादा हथियार है? आपका ऑप्शन है ए अमेरिका देश के पास, बी चीन देश के पास, सी ईरान देश के पास, डी जापान देश के पास। आपका सही जवाब होगा सी ईरान देश के पास। आपका उत्तर होगा। आपका तीसरा सवाल है, लाल मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी केरल, सी जम्मू कश्मीर, डी आंध्र प्रदेश। आपका सही जवाब होगा ए तमिलनाडु। आपका उत्तर होगा। आपका चौथा सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? आपका ऑप्शन होगा ए विक्रमगंज, बी ग्यामर, सी रेवतीपुर, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी ग्यामर। आपका उत्तर होगा। आपका पांचवा सवाल है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है? आपका ऑप्शन है ए पृथ्वी, बी तिथि, सी राशि, डी उपर्युक्त सभी। आपका सही जवाब होगा डी उपर्युक्त सभी। आपका उत्तर होगा। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले टैक्सी सेवा शुरू की गई थी? आपका ऑप्शन है ए कोलकाता में, बी बंगलुरु में, सी मुंबई में, डी कानपुर में। आपका सही जवाब होगा बी बंगलुरु में। आपका उत्तर होगा। आपका सातवां सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? आपका ऑप्शन है ए गंडकी, बी कोसी, सी ब्रह्मपुत्र, डी गंगा। आपका सही जवाब होगा डी गंगा। आपका उत्तर होगा। आपका आठवां सवाल है, हिंदी बोलने वाली रोबोट का क्या नाम था? आपका ऑप्शन है ए रेशमा, बी हिमाशी, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए रेशमा। आपका उत्तर होगा। आपका अगला सवाल है, नौ आलू उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए पंजाब, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी केरल। आपका सही जवाब होगा सी उत्तर प्रदेश। आपका उत्तर होगा। आपका दसवां सवाल है, सड़कों पर जेब्रा क्रॉसिंग क्यों बनाई जाती है? आपका ऑप्शन है ए
पैदल जाने वालों के लिए, बी केवल गाड़ी जाने के लिए, सी केवल दोपहिया वाहन जाने के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा हे पैदल जाने वालों के लिए। आपका उत्तर होगा रोजाना। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है 11। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपका सही जवाब होगा हे डल झील, बी चिल्का झील, सी वुलर झील, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी वुलर झील। आपका उत्तर होगा। आपका अगला सवाल है 12। विश्व में किस देश में कोई भी मंदिर नहीं है? आपका ऑप्शन है ए सऊदी अरब, बी ईरान, सी इराक, डी दक्षिण सूडान। आपका सही जवाब होगा हे सऊदी अरब। आपका उत्तर होगा। आपका अगला सवाल है 13। किस देश में गाली देने पर 5 साल की सजा दी जाती है? आपका सही जवाब होगा हे चीन देश में, बी क्यूबा देश में, सी जापान देश में, डी भारत देश में। आपका सही जवाब होगा बी क्यूबा देश में। आपका उत्तर होगा। आपका अगला सवाल है 14। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 6 सितंबर, बी 5 सितंबर, सी 7 सितंबर, डी 9 सितंबर। आपका सही जवाब होगा बी 5 सितंबर। आपका उत्तर होगा। आपका अगला सवाल है 15। हाथियों का देश किसे कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए लाओस को, बी पाकिस्तान को, सी अफगानिस्तान को, डी जापान को। आपका सही जवाब होगा हे लाओस को। आपका उत्तर होगा। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है 16। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए केरल में, बी कोणार्क में, सी तमिलनाडु में, डी महाराष्ट्र में। आपका सही जवाब होगा बी कोणार्क में। आपका उत्तर होगा। आपका अगला सवाल है 17। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए राजस्थान में, बी उत्तर प्रदेश में, सी मुंबई में, डी गुजरात में। सी मुंबई में। आपका उत्तर होगा। आपका अगला सवाल है 18। रास्ता का बहुवचन है? आपका ऑप्शन है ए रास्ते, बी रासत, सी रासटें, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा हे रास्ते। आपका उत्तर होगा। आपका अगला सवाल है 19। मगरमच्छ किस देश का राष्ट्रीय पशु है? आपका ऑप्शन है ए ब्रिटेन देश का, बी क्यूबा देश का, सी पाकिस्तान देश का, डी वेटिकन सिटी देश का। आपका सही जवाब होगा बी क्यूबा देश का। आपका उत्तर होगा। अब यह सवाल आपके लिए, आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका सवाल है नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? आपका ऑप्शन है
ए मुक्केबाजी, बी भाला फेंक, सी कुश्ती, डी बैडमिंटन। आपका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।